तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये टेबल टॉप स्टैंड, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला है इस प्राइस के अंदर। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन पे है नहीं, अमेज़ॉन पे है, बस उनकी जो रेट है वो 700, 800, 900 के पार है। पर इस स्टैंड को मैंने ऑर्डर किया है 500 रुपीज़ में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 500 रुपीज़ में है, तो प्लास्टिक की बॉडी है, पूरी मेटल बॉडी है। मुझे तो बहुत सही लगा यार अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। उन स्टैंड में और इस स्टैंड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। और हाँ, इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स मिल जाता है, प्रोफेशनल मोबाइल टैबलेट यूनिवर्सल स्टैंड। और बॉक्स के चारों तरफ आपको उसी की ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर की तरफ भी। और हाँ, ये कंफर्टेबल है टैबलेट के लिए और मोबाइल के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस कार्ड दिया है। और इसका जो वेट है वो है 1.01 kg, और मेरा ये ऑर्डर आज ही आया है। तो बॉक्स के ऊपर तो इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल इसको ओपन कर लेते हैं। 10 seconds later. तो बॉक्स के अंदर आपको 3 पैकेट मिल जाते हैं। पहला तो ये अपना मोबाइल माउंट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल माउंट करने का मिल जाएगा। और हाँ, इसकी साइज बहुत ही बड़ी है, आप इसमें टैबलेट भी माउंट कर सकते हैं। और बात करें इसकी क्वालिटी की, तो बहुत ही बेस्ट है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग। और हाँ, ऊपर की तरफ आप एक ग्रिप देख सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल इजीली होल्ड हो जाएगा, गिरने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपको खाली स्पेस मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। और यहाँ पर आपको रबर टाइप कुछ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपका फोन स्टिक रहे, दिक्कत ना आए। यकीन मानो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। और सेकेंड पैकेट में आपको इसका बेस मिल जाएगा, जिसपे आप इसको माउंट करने वाले हो। और हाँ, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे लगा ये पूरा प्लास्टिक क्वालिटी का होगा अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, पर ये पूरा मेटल का है, और मेटल भी हल्की क्वालिटी का नहीं है, एकदम बेस्ट है। सिंपल आपको इसको अपनी टेबल पे लगाना है और ऊपर उसको माउंट करना है, बहुत ही ईजी है इसको लगाना। अभी हम लगाने वाले हैं। और थर्ड पैकेट में आता है हमारा पूरा मेन स्टैंड। तो यकीन करो, जब मैंने इसको अमेजोन पे देखा तो मुझे ऐसे देख के लगा कि भाई ये प्लास्टिक का होगा, पर ये पूरा मेटल का है, और मेटल भी बहुत ही शानदार क्वालिटी का है, इजीली ये ख़राब नहीं होने वाला है। और मुझे ये मंगाना ही था क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो बनाता रहता हूँ। सिंपल इसकी साइज़ को भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उतना कर सकते हैं। पता नहीं आपको वीडियो में पता लग रहा होगा कि नहीं पता लग रहा, पर ये स्प्रिंग क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। इसको आप 3 जगह से रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने बॉक्स में देखा। ये देखो, इधर से आप इसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, इसको 135 फोल्ड कर सकते हैं, ऊपर इस पार्ट को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर 180 फोल्ड कर सकते हैं। फ़ोन माउंट करने का है इसको, तो आप 360 डिग्री रोटेट कर ही सकते हैं। तो पहले मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको इसको इजीली अपने टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग खोल लेना है, और कंप्लीट खोलने के बाद में आपको इसको उल्टा कर देना है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर रखना है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं एकदम रबर लगाया हुआ है, आपकी टेबल पर ये ग्रिप बनी रहेगी, हिलने नहीं वाला है। तो सिंपल अभी मैं लगाता हूँ इस कॉर्नर के ऊपर, तो सिंपल आपको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है और नीचे से इसको टाइट कर देना है, और एकदम अच्छे से टाइट कर देना है जिससे ये हिले ना। और अभी आप देख सकते हैं एकदम टाइट हो चुका है, हिल नहीं रहा है, भले ही टेबल हिल रही है पर ये नहीं हिलने वाला। तो इसको तो आपको पहले लगाना है, अब जो दूसरा काम है वो करता है। और फिर आपको अपना स्टैंड लेना है, और आपको अपने स्टैंड में देखो 2 साइड मिल जाएगी, ये तो हमें यहाँ लगाना है और इस तरफ हमारा मोबाइल लगेगा ही। तो पहले इसको कनेक्ट करता है, तो इसको पूरा खोल लेना है, और फिर ये देखो आपको एक स्क्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिंपल इसको पूरा खोल लेना है इस तरीके से, और इससे अलग कर देना है। और करने के बाद में ये जो स्टैंड का ये जो नीचे वाला पार्ट है, सिंपल आपको एक होल मिल जाएगा, उसमें आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है ऐसे। और इतना करने के बाद में ये जो स्क्रू आपने निकाला था, सिंपल आपको फिर से टाइट कर देना है, ये हो गया। और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर इसको ज़्यादा टाइट कर दोगे तो ये 360 डिग्री रोटेट नहीं होगा इस तरीके से। तो ये हो गया आपका दूसरा काम। तो जो तीसरा काम है वो है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर मोबाइल माउंट करने के लिए इसको लगाना होगा, तो सिंपल इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए पहले आपको इसको खोलना होगा, ये देखो इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट को आपको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है, और इस तरफ से आपको ऐसे प्रेस करके इसके अंदर इसको ऐसे करना है, और जैसे ही इसके अंदर देखो अब स्टेबल हो चुका है, आपको नट घुमा देना है, और ये आपका मोबाइल माउंट करने के लिए लग गया है। तो आपका काम पूरा हुआ। अब इजीली इसको ऊपर की तरफ रोटेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नट मिल जाएगा। फोकस नहीं हुआ क्या? हाँ, यहाँ पर आपको नट मिल जाएगा, इसको ढीला करके आप इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर सकते हैं, और जहाँ आप कैमरे को करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, और सिंपल टाइट करने के लिए आपको टाइट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्टैंड है ये आपके सेटअप के ऊपर कुछ इस हिसाब से लगेगा। आप इसको चाहो उधर रोटेट कर सकते हैं, ये देखो इधर किया, ऊपर नीचे किया, और यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिल जाता है जहाँ से आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इसको टाइट करके रखना है, और यहाँ पर कोई अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं तो सिंपल इसको नीचे रोटेट किया और यहाँ पर अपनी वीडियो बना ली। और हाँ, यकीन मानो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्टैंड बहुत ही बेस्ट है यार। 500 रुपये में पूरे मेटल का स्टैंड मिलना इम्पॉसिबल है। हाँ, अमेजोन पे है, पर उनकी रेट भी 700 के पार है,
ये मुझे 500 में इजीली मिल गया। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरा तो काम ही अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाना है। सिंपल इसको यार इजीली कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।